बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसको पढ़ के आप सफल हो सकते हैं। सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध से पूछा, गाँव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खोदे हुए हैं, आखिर इनका क्या उपयोग है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एक पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है, इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है, वे सभी लोग गाँव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। तब भिक्षु पूछता है, क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी के खोज में ही मैदान में इतना सारा गड्ढा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो इसका कारण क्या है? समस्या समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई। यदि गाँव के लोग अलग अलग कई जगह गड्ढे खोदने के बजाय सही दिशा में केवल एक ही गड्ढा करते जो की 100 गड्ढों के बराबर होता, तो उन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मनुष्य का मन भी इसी तरह 100 दिशाओं में भटकता है, लेकिन मन को एक दिशा में केंद्रित करके काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों तरफ भटकना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल फॉलो जरूर करें।